Magazine. सजाद बच्चू एंड यू आर वॉचिंग मलिक सियार वसी यूट्यूब चैनल। मैं इस टाइम बागे जना लाहौर में हूँ, आपको बागे जना लाहौर की सैर भी करवाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त मौसम भी है, आज हवा भी चल रही है, एक नेचुरल ब्यूटी है। तो हम आप मेरे साथ विजिट करेंगे बागे जना लाहौर का। जी हाँ, यहाँ पर आकर मुझे हेलन केलर का वो कोट याद आ जाता है कि हेलन केलर ने कहा था कि वो ब्लाइंड थी, डेफ थी, देख नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी। उसने एक बात कही थी, उसने कहा अब उसके कुछ दोस्त जंगल से विजिट करके वापस आती है, उसने पूछा कि आपने क्या देखा, तो उन्होंने कहा नथिंग एल्स, कुछ खास नहीं देखा। तो वो फिर कहती है कि हाउ इज़ इट पॉसिबल दैट यू विजिटेड अ लॉट, यू विजिटेड होल डे इन द जंगल बट यू डिडंट सी। तो वो हैरान होकर कहती है कि मैं दरख्त के पत्तों को हाथ लगा के बता सकती हूँ किस दरख्त का ये पत्ता है। कहती है कि मैं दरख्त के पत्ते को हाथ लगा के उस पत्ते से बता सकती हूँ कि मौसम बहार शुरू हो चुकी है, मौसम खजां आ चुका है, मौसम सरमा है या गर्मा है। तो ये कुदरत की इन मनाजिर का वो जिक्र करती है अपने उस नावल में। द नेम ऑफ द नावल इज़ थ्री डेज टू सी। तो चलें मैं आपको बागे जना की भी सैर करवा करवाता हूँ, देखते हैं कि बागे जना लाहौर इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस लोकेटेड इन पाकिस्तान, लाहौर। Just look at the view. तो हेलन केलर की मैं बात कर रहा था, मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ, गाइड करता चलूँ कि हेलन केलर वो लेडी है जो 19 मंथ की थी, अंधी होगी और साथ में वो बहरी भी हो चुकी थी। तो उसने PhD की, फिर उसने वो ये कहती थी कि काश खुदा मुझे 3 दिन के लिए आंखें देता तो सबसे पहला दिन मैं उन लोगों के साथ गुजारती जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को रहने के काबिल बनाया। फिर उसके बाद वो कहती है कि काश खुदा 3 दिन के लिए आंखें देता तो मैं अपनी बिनाई का जो सेकेंड डे है मैं सुबह सुबह उठती। मतलब वो बात करती है कुदरत की, नेचर की। अभी आप देख रहे हैं मेरे सामने कितना खूबसूरत सीन है। वो कहती है कि मैं सुबह सुबह उठती तो मैं न्यूयॉर्क की एक बहुत ऊँची बिल्डिंग पर खड़ी होती और फिर देखती कि रात दिन में कैसे बदलती है और फिर लोग किस तरह उठते हैं, ज़मीन सोई हुई कैसे बेदार होती है, और मैं देखती कि लोग अपने काम के लिए किस तरह निकलते हैं, सोई हुई ज़मीन कैसे जाग जाती है, किस तरह लोग काम करते हैं। तो तमाम मनाजिर का जिक्र करती है अपने उस नावल में। फिर वो कहती है कि मैं जंगलात की सैर करती, फिर वो नदी की कहती, मैं नदी के अंदर अपनी उंगलियों को खोल के रखती, मेरी उंगलियों के पोरों से गुजर कर पानी जाता तो मेरे हाथ कितनी ठंडक महसूस करते, वो उस खुशी का भी इजहार करती है। फिर कहती है कि हकीकत है द सीइंग सी लिटल, के देखने वाले बहुत कम देखते हैं। तो बागे जना लाहौर में इस टाइम मैं, हम सब तमाम नाजरीन इस टाइम विजिट कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा व्यू, बहुत ही अच्छा पार्क, खूबसूरती है, कुदरती दिलकशी है, ब्यूटी है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप अगर अपने बच्चों को छोटे ट्रिप्स को अगर लेके आना चाहते हैं तो द बेस्ट प्लेस इज़ बागे जना लाहौर, क्योंकि कुदरत को यार विज़िट किया करें। माशाल्लाह, ये है अल्लाह ताला ने ज़मीन पर हमारे लिए, हमारी प्लेयर के लिए, हमारी हैप्पीनेस और जॉयस के लिए खुदा ताला ने ये फूल सजा रखे हैं। और तुम खुदा की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। बच्चों के लिए राइड्स हैं,
ये है नेचुरल ब्यूटी, बच्चों के चेहरों पे मुस्कुराहटें, बच्चों का खेलना, परिंदों का चहचहाना, ये जो आवाज़ें आप सुन रहे हैं, असल खूबसूरती यही है, यही खुशी है। ये जो सीन आप देख रहे हैं बागे जना में, जना लाइब्रेरी है जो पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ये वाइट कलर की खूबसूरत सी बिल्डिंग, ये जिना लाइब कायदे आज़म लाइब्रेरी की बिल्डिंग है, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है। यहाँ पे आपको 600 पर ईयर पे करना पड़ता है और आपको ग्रेजुएट, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो 600 पर ईयर आप पे करें तो आपके कार्ड इशू किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, देन आप लाइब्रेरी का पार्ट बन सकते हैं। लाइब्रेरी के सामने बहुत ही खूबसूरत एक पार्क बना है राउंड में, आ जाए आ जाए शाबाश आ जाए आ जाए। कहाँ गए हुए थे, कहाँ गए थे आप, भूख लगी हाँ, चले आ जाए आ जाए। एक बड़ा पार्क है लाहौर का जनाब पार्क, भाई कुदरत से मोहब्बत किया करें, बनावटी कुदरत नेचर हमेशा के लिए है, तो कुदरती चीज़ों से मोहब्बत करें, अपनी ज़िंदगी में कुदरत को शामिल करें, अपनी ज़िंदगी में नेचर को लेके आएं। वेल बॉल एंड वीट, ओह व्हाट अ ग्रेट शॉट, इट्स अ फोर। यार बड़ा अच्छा शॉट खेला आपने, फोर, इट रिक्वायर्स फोर मोर, अगेन एक और फोर। बॉलर बॉलर भी फास्ट है, बैट्समैन भी आगे फास्ट ही है। ओह इट्स आउट, इट्स टाइड टू बी अ सिक्स बट आउट। अहमद